Hello to my dear students. I hope you will understood the all swar. Today we will revise all swar. Let's start swar. बच्चों आज तक आपने स्वर काउंट किए हैं? यदि नहीं किए तो मैं बताती हूँ, हमारे कुल 13 स्वर होते हैं। आज हम सिर्फ स्वर ही रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह इनकी पहचान हो सके। आज हम शुरू से आपको रिवीजन करवाएंगे। लेट्स वी स्टार्ट वर्णमाला, स्वर बोध, छोटे आ से अनार, छोटे आ से अचकन, बड़े आ से आक, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमारत, बड़ी ई से ईश, बड़ी ई से ईक, छोटे ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उपहार, बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊंट, र से ऋषि, र से ऋषभ, छोटी ए से एड़ी, छोटी ए से एक तारा, बड़ी ए से रावत, बड़ी ए से ऐनक, छोटे ओ से ओखली, छोटे ओ से ओढ़नी, बड़े ओ से औरत, बड़े ओ से औजार, अंग से अंगूर, अंग से अंगूठी, बड़ा अंग अहा। अब आप मेरे पीछे बोलोगे वर्णमाला स्वर बोध। छोटे आ से अनार, छोटे आ से अचकन, बड़े आ से आग, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमारत, बड़ी ई से ईश, बड़ी ई से ईक, छोटे उसे उल्लू, छोटे उसे उपहार, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊंट, र से ऋषि, र से ऋषभ, छोटी से एड़ी, छोटी ए से एक तारा, बड़ी ए से इरावत, बड़ी ए से ऐनक, छोटे ओ से ओखली,
छोटेओ से ओढ़नी, बड़ियों से औरत, बड़ियों से औजार, अंग से अंगूर, अंग से अंगूठी, बड़ा अंग अह। अब मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। आपने घर पे ऐसे ही बुक से रिवाइज करना है। अब हम इसको लिखना सीखेंगे। ये है हमारे स्वर। स्वर 13 होते हैं। इसको हम पहले लिखेंगे अ से, अंग तक, ये हमारा टॉपिक है अ से अंग तक। हमने आपको सिखाया था ना छोटा से नाद कैसे डालते हैं। सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्लीपिंग लाइन एंड 3। ये क्या बना? छोटे आ से अनार, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड 3। एक और स्टैंडिंग लाइन लिख, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली लिखना हमने। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, नाउ अल्फाबेट एस बनाना है, उसको घुमाना है। ये क्या बना है? छोटी ई से इमली, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, इंग्लिश अल्फाबेट एस, इसको घुमाया। सी की शेप में हमने मात्रा लगाई, बड़ी ई से ईक। एक लाइन में हमने 4 स्वर लिखने हैं। सेकंड लाइन में 3 बनाया, उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन लगाई, छोटे उसे उल्लू, फिर 3 बनाया, स्लीपिंग लाइन, 7 की शेप में मात्रा दी, बड़े उसे ऊन। अब र से ऋषि सीखेंगे हम। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ट्रायंगल की शेप में ऐसे हमने बनाना है, और इंग्लिश अल्फाबेट आर, आर बना देना है यहाँ पे। ये क्या बन गया हमारा? र से ऋषि। सेकंड लाइन में 3 स्वर लिखने हैं। थर्ड लाइन में छोटी ए, छोटी ए से एड़ी, इसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, छोटी ए से एड़ी, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, इसको ऐसे घुमाया। फिर स्टैंडिंग और स्लांटिंग, इसके ऊपर मात्रा लगाई, बड़िए से रावत, बड़िए से ऐनक। अब छोटे ओ से ओखली लिखना हमने। जैसे हमने छोटा से नार डाला था ना पहले, बड़े आ से आम डाला था, वैसे ही है। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्लीपिंग, बड़े ऐसे आम डाल देना पहले, उसके ऊपर एक ऐसे मात्रा लगा देना। ये क्या है? छोटे ओ से ओखली। ऐसे ही बड़े ओ से औरत डालना है। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्लीपिंग, 3, 1, एक और स्टैंडिंग लाइन,
इस जैसे हमने पहले एक मात्रा लगाई थी, अब दो मात्राएं लगानी है। बड़े ओ से औरत बन जाएगा, अंग से अंगूर। थर्ड लाइन में चार स्वर आएंगे, उसके बाद टू। अंग से अंगूर लिखना है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, थ्री बनाया, उसके ऊपर हमने एक डॉट लगाया, बिंदु लगाया इसको। अंग से अंगूर, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, छोटे ऐसे नार बन गया ना ये बेटा। इसके दो बिंदुएं लगानी है हमने, ये क्या बना, बड़ा अंग। आह, ऐसे ही हमने इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ओ से उल्लू, बड़े ओ से ऊन, र से ऋषि, छोटी ए से एड़ी, बड़ी ए से ऐनक, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, अंग से अंगूर, बड़ा अंग। अह, ऐसे ही हमने इसको रिवाइज करना है, लिखना भी सीखना है बेटा। बच्चों, स्वर के अभ्यास के बाद हम हिंदी कविता को रिवाइज करेंगे। कविता का नाम है कुत्ता। मैंने प्यारा कुत्ता पाला, मैंने प्यारा कुत्ता पाला, यह है घर का सच्चा रखवाला, यह है घर का सच्चा रखवाला, भला बुरा ये सब कुछ जाने, भला बुरा यह सब कुछ जाने, चोरों को जल्दी पहचाने, चोरों को जल्दी पहचाने। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू।